गार्गी तथा आज्ञावल्क्य के बीच संवाद। राजा जनक का राज्यसभा लगा था। सभी ऋषि मुनि यज्ञावल्क्य से प्रश्न कर रहे थे और यज्ञावल्क्य उत्तर दे रहे थे। प्रश्न करने वालों में एक ऋषिका थी, गार्गी, वचंकु की पुत्री। उन्होंने राजसभा को संबोधित करते हुए कहा, श्रेधेय ब्राह्मणों, मैं यज्ञावल्क्य से दो प्रश्न करूंगी। यदि उन्होंने उचित उत्तर दे दिया तब आप लोगों में कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर पाएगा। वे ब्रह्म के सत्य के एक महान व्याख्याता बन जाएंगे। यज्ञावल्क्य बोले, क्या है प्रश्न तुम्हारा, पूछो। गार्गी ने कहा, यज्ञावल्क्य, आप यह बताएं कि वह क्या है जो स्वर्ग से ऊपर है तथा पृथ्वी से नीचे है, जो स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच में भी है और जो पहले था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा, तथा किसके ओतप्रोत है। यज्ञावल्क्य ने कहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो स्वर्ग से ऊपर और पृथ्वी से नीचे भी रहता है तथा स्वर्ग व पृथ्वी के बीच में भी रहता है, जो पहले था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, और वे जिसके ओतप्रोत है वह आकाश है। आकाश सूक्ष्मतः तत्व है, इतना सूक्ष्म कि यह प्राय चेतना के समक्ष माना जाता है। इसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता, फिर भी वह कुछ और है। गार्गी ने कहा, आपने पहले प्रश्न का ठीक उत्तर दिया है, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ, आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि वह आकाश किसके ओतप्रोत है। यज्ञावल्क्य ने कहा, ऋषि उसे अक्षर कहते हैं, जो अविकारी अविनाशी सदवस्तु है। वह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म, न लघु, न दीर्घ, न उष्ण, न शीतल, न प्रकाश, न अंधकार, न वायु प्रकृति का, न इधर प्रकृति का। वह निरपेक्ष है, स्वाद व गंध रहित है। उसमें न नेत्र है, न करण, न वाक, न मन, न ऊर्जा, न प्राण, न मुख। वह अप्रिमेय है, न अंतरंग, न बहिरंग, वह निरानंद है। उस सदवस्तु के ही आदेश पर सूर्य और चंद्रमा अपने अपने निर्धारित कर्म की परिक्रमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। क्षण, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतुए और वर्ष अपने पथ का अनुगमन करते हैं। नदियां हिमगरियों से उद्भूत हो सभी दिशाओं में प्रवाहित होती रहती है। हे गार्गी, जो व्यक्ति इस संसार में इस सदवस्तु के ज्ञान से रहित होकर सहस्त्र वर्षों तक भी यज्ञ तपस्या करता रहे तब भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, उसके अर्पण तर्पण तथा साधना व्यर्थ है। जो व्यक्ति इस अक्षर को जाने बिना इस संसार से चला जाता है उसकी दशा दयनीय होती है, किंतु उसे जानने के पश्चात जो यहाँ से इस संसार से विदा लेता है वह ज्ञानी होता है। हे गार्गी, यह सदवस्तु अदृश्य है परंतु दृष्टा है, अश्रुत है परंतु श्रोता है, अचिंतनीय है किंतु चिंताशील है, अज्ञात है पर ज्ञाता है। कोई अन्य नहीं यह एकमात्र दृष्टा है, कोई अन्य नहीं केवल यही श्रोता है, कोई अन्य चिंतनशील नहीं केवल यही चिंतनशीलक है, कोई अन्य ज्ञाता नहीं केवल यही ज्ञाता है। हे गार्गी, वस्तुतः इसी अक्षर से आकाश ओतप्रोत है। यज्ञावल्क्य का यह उत्तर सुनकर गार्गी ने राज्यसभा में एकत्रित ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा, श्रेधिये ब्राह्मणों, जाने से पूर्व इनके समक्ष नतमस्तक होकर आप धन्य हो जाएंगे। ब्रह्मवादी यज्ञावल्क्य को कोई परास्त नहीं कर सकता।